आप देख रहे हैं सत्य खबर। दबाइए ये सब्सक्राइब का बटन और पाइए देश प्रदेश की हर खबर। पंचकुला के रामगढ़ चौकी में देर रात कुछ लोगों ने घुसकर जमकर हंगामा किया। इस दौरान एक होमगार्ड की वर्दी फाड़ दी गई। बताया जा रहा है कि हंगामा करने वालों में दो महिलाएं और तीन युवक शामिल थे। वहीं ये हंगामा करने वाले लोग चौकी से अपने जानकार को पुलिस कस्टडी से भगा कर ले गए। पंचकुला के रामगढ़ की पुलिस चौकी में तैनात पुलिस कर्मचारियों से कुछ लोगों ने पहले तो गाली गलौज की और उसके बाद उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। फिर जब चौकी इंचार्ज पुलिस फोर्स के साथ आरोपियों को पकड़ कर ले गए तो आरोपियों के परिजन चौकी में ही घुस आए और एक पुलिस कर्मचारी की वर्दी तक फाड़ दी। आरोपियों ने चौकी में हंगामा किया और अपने जानकार आरोपियों को भगा कर फरार हो गए। जी, एक वर्दी फाड़ने का मामला दर्ज किया गया, क्या मामला था जी? ये परसों रात की बात है, वो स्वीट वाले वहाँ पर बाहर झगड़ा करे थे, हमने समझाने की कोशिश की, यहाँ उनको लेकर अंदर ले आए हम, तो उन्होंने काफी हंगामा किया और अपने आप अपने कपड़े फाड़ लिए और एक हमारे जवान होमगार्ड की वर्दी फाड़ दी। उसके बाद इसकी मम्मी और एक लेडीज थी, पता नहीं कौन थी, वो आई, एक दो बंदा और आया हमारे साथ धक्का मुक्की की और इनको हमारी लेडीज नए होने के कारण उनको वापस वहां से भगाने में ये ले गई और उसके बाद इनमें हमने तीन गिरफ्तार कर लिए हैं और जो बाकी हैं उनकी गिरफ्तार जारी है। एफआईआर दर्ज कर ली थी? हाँ, एफआईआर दर्ज कर ली थी। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में पुलिस आगे की क्या कार्रवाई करती है। सत्य खबर के लिए पंचकुला से उमंग की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर। दबाइए ये सब्सक्राइब का बटन और पाइए देश प्रदेश की हर खबर।